नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर बात करने जा रहे हैं भील प्रदेश। जी हां, चर्चा का विषय यहां पर भील प्रदेश। तो चलिए हम बात करेंगे कि आखिर जनजातीय समुदाय इस भील प्रदेश की क्यों मांग कर रहा है। आखिर वो कौन से राज्य है जिनको मिलाकर भील प्रदेश के गठन की बात की जा रही है। आखिर जनजाति समुदाय इस भील प्रदेश के पीछे अपना क्या तर्क दे रहा है, इसके पक्ष में क्या बात है, इसके विपक्ष में क्या बात रखी गई है, हर एक बातों पर हम यहाँ पर पूर्ण रूप से विश्लेषणात्मक यहाँ पर पूरा अध्ययन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर। अगर मैं बात करूं भील प्रदेश की मांग, जी हाँ, एक बार फिर यहाँ पर चर्चा में भील प्रदेश। तो ये जो भील प्रदेश है दोस्तों, ये इस प्रदेश को बनाने की या इस प्रदेश को गठन करने की मांग चार राज्यों के कुछ जिले, कितने राज्यों के, चार राज्यों के, तो चार राज्यों के 39 जिले, जी हाँ, चार राज्यों के 39 जिलों को मिलाकर, यानी 39 जिलों को मिलाकर एक भील प्रदेश का गठन किया जाएगा, ऐसी बात यहाँ पर रखी गई है। इसमें कुछ जिले कहाँ के आपके, गुजरात के कितने जिले होंगे, 16 जिले, राजस्थान के 10, मध्य प्रदेश के 7 जिले और महाराष्ट्र के 6 जिलों को मिलाकर एक क्या गठन किया जाए, भील प्रदेश का यहाँ पर गठन किया जाए। यहाँ पर भील प्रदेश के गठन होने से एक बात यह सामने आ रही है कि यहाँ पर जो जनजातीय समुदाय है इनका प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इस प्रदेश के गठन होने से यहाँ पर जनजातीय जो जनजातियां इनका सामाजिक और आर्थिक विकास होगा, इनको राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर एक अलग पहचान मिलेगी, इनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और साथ ही साथ यहाँ पर भील समुदाय की संस्कृति, इनकी इनका पहनावा, ठीक है, इसको यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, ऐसा यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है। तो चार राज्यों को बनाकर, कितने, चार राज्यों को मिलाकर एक भील प्रदेश बनाया जा रहा है या भील प्रदेश बनाने की मांग की जा रही है, ठीक है। वो चार राज्य कौन से, आप सभी को पता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 39 जिले मिलकर एक नया प्रदेश बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम क्या है, भील प्रदेश। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर ये भील समुदाय कौन है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, फिर और आगे देखेंगे हम यहाँ पर कि इस भील प्रदेश को गठन करने की मांग पहली बार किसके द्वारा की गई थी और कौन था वो व्यक्ति। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके अलावा कि भील समुदाय की, तो भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिल शब्द, जी हाँ, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिल शब्द विल्लुवर से हुई है, जिसका अर्थ है धनुष, जिसका अर्थ होता है धनुष, जी हाँ। जो भील समुदाय है दोस्तों, इसमें धनुष, जी हाँ, धनुष और बाणों का अत्यधिक महत्व होता है। भील समुदाय में यहाँ पर धनुष और बाणों का खूब ज्यादा महत्व होता है, इसलिए इनका नामकरण इसी आधार पर किया गया। जो भील जनजाति है भारत की, जो भील जनजाति है कहाँ की, भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में, जी हाँ, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा भील समुदाय की, तो ये जो भील शब्द है संभवतः द्रविड़ भाषा के शब्द भील से लिया गया है, ठीक है, द्रविड़ भाषा में धनुष के लिए प्रयुक्त होने वाले भील शब्द से आया है। यहाँ पर एक संस्कृत की युक्ति है कि भिदन्ति इति भील, क्या है युक्ति, कि भिदन्ति इति भिल्ल, यानी भिल वह है जो भेदने का कार्य करते हैं या जो भेदना करते हैं। भिल एक अच्छे निशानेबाज होते हैं, ये अपने पास तीर और कमान, जी हाँ, तीर और कमान रखना पसंद करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर भिल समुदाय की, तो इनकी कुछ उपजातियां हैं जैसे भिलाला, पटलिया, बरेला, ये इनकी भिल समुदाय की प्रमुख जनजातियां हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों भील समुदाय की, तो ये एकलव्य को अपना पूर्वज मानते हैं। इसके अलावा भीली भाषा में राजस्थानी, मालवी, गुजराती के शब्द हमको कुछ कुछ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो इनकी भाषा है, परंपरागत भाषा, इसमें हमें इन तत्वों का कुछ न कुछ समावेशन देखने को मिलता है। किसका भाई, मालवी, राजस्थानी और गुजराती का।
साथ ही साथ इनकी मौखिक आख्यान पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। भील जनजाति प्रमुख रूप से दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र पर, जी हाँ प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि और पशुपालन पर अगर मैं बात करूं, मुख्य रूप से आजीविका के लिए कृषि पर आधारित है, किंतु संसाधनों की कमी के कारण ये कृषि के अतिरिक्त, मैंने अभी कहा था, पशुपालन, वनोपज संग्रह और मजदूरी इत्यादि भी करते हैं। यह हमने देखा भील समुदाय के बारे में। अगर इसके अलावा मैं बात करूं कि पहली बार भील प्रदेश की मांग किसने करी, देखो भील प्रदेश की मांग पहली बार की गई थी यहां पर भील समाज सुधारक नेता गोविंद गुरु ने 1913 में दोस्तों एक प्रसिद्ध या चर्चित नरसंहार है जिसका नाम है मानगढ़ नरसंहार, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो मानगढ़ नरसंहार के बाद सबसे पहले आदिवासियों के लिए अलग राज्य की मांग उठाई थी यहां पर किसके द्वारा, तो गोविंद गुरु के द्वारा। 17 नवंबर 1913 को, ध्यान से सुनना है यहां पर, 17 नवंबर 1913 को राजस्थान, जी हाँ राजस्थान और गुजरात की सीमा पर मानगढ़ की पहाड़ी पर सैकड़ों भील आदिवासियों को यहां पर ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश सेना ने दोस्तों यहां पर मार डाला था, और इसी को यहां पर मानगढ़ नरसंहार के नाम से जाना जाता है। यानी यहां पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहां पर कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जो जिससे भील समुदाय यहां पर संतुष्ट नहीं होता है, और यहां पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहां पर ऐसा कार्य किया जाता है कि इनकी यहां पर मृत्यु हो जाती है। इसी घटना को यहां पर मानगढ़ नरसंहार के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। तो ये मानगढ़ नरसंहार हुआ था यहां पर राजस्थान और गुजरात की सीमा पर ब्रिटिश काल के दौरान। दोस्तों यहां पर भील समुदाय को अपराधी तक घोषित कर दिया गया था। साथ ही 1857 की क्रांति के बाद कई समुदायों को जन्मजात अपराधी घोषित किया गया था। यानी यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें अपराधी के रूप में भी यहाँ पर देखा जाता था। नहीं दोस्तों, ये यहाँ पर क्या हुआ करते थे, क्रांतिकारी। अब इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर कि भील समुदाय का दोस्तों सबसे ज्यादा विकास, जी हाँ सबसे ज्यादा विकास बाधित हुआ है। साथ ही सरकार के द्वारा भील समुदाय के लिए कई सारी योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू उतनी प्रभावी तरीके से जमीनी स्तर पर लागू करवाया नहीं गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस समुदाय के इस मांग के पक्ष में, तो यहां पर राष्ट्रीय स्तर पर, किस स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर यहां पर भील समुदाय का प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा। इसके अलावा मैं बात करूं इनका आर्थिक विकास होगा, कैसा विकास होगा, आर्थिक विकास होगा। इसके अलावा मैं बात करूं भाषा और संस्कृति को यहां पर बढ़ावा मिलेगा। अगर हम यहीं पर एक इसका विपक्ष देखें, ठीक है, विपक्ष में क्या तर्क है, तो अगर हम कहें कि हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता, जी हां देश की संप्रभुता और अखंडता पर यहां पर सोचने वाली बात है कि हमारे देश की अखंडता यहां पर कहीं ना कहीं बिखर जाएगी। ठीक है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा भी दिया जाएगा, किसको, क्षेत्रवाद को यहां पर बढ़ावा मिलेगा। ऐसा होने से अलग अलग समुदाय द्वारा फिर यहां पर मांग बढ़ती जाएगी कि हमें भी अपने लिए एक अलग प्रदेश चाहिए। तो ये पक्ष में कुछ विपक्ष में तर्क है, लेकिन दोस्तों यहां पर कुछ ऐसे प्रयास किए जाना चाहिए कि यहां पर जनजाति समुदाय की भावनाओं को भी संतुष्ट किया जाए और देश की अखंडता, ठीक है, अखंडता एकता को भी यहां पर किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुंचे। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर जो भी यहां पर निष्कर्ष पर आप पहुंचे, तो इन चीजों को ध्यान पर रखकर यहां पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये भील प्रदेश की मांग इस प्रकार से यहां पर एक नेता के द्वारा उठाई जाती है, जो अभी फिर चर्चा में है। इस संबंध में आपकी जो भी राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है, आप अपनी बात यहां पर रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।